जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट मेरठ रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। आप सभी के लिए आर्मी हेडक्वार्टर से न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये रिक्रूटमेंट आपकी मेरठ यूपी से निकली हुई है। इसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म के द्वारा अप्लाई करना होगा। ये ऑफलाइन फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसका फॉर्म डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा, तो वीडियो कंप्लीट वॉच करते रहिएगा। इसका क्राइटेरिया जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रत्येक ऑफलाइन फॉर्म के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा जाता है। देखिए, अब इसका क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होने वाला है। देखिए, आपका जो फॉर्म शुरू हो चुके हैं, फॉर्म की लास्ट डेट की बात की जाए तो 5 अक्टूबर 2021 आपके फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है। 11 सितंबर 2021 के आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आप इसका ऑफिशियल अपडेट भी देख सकते हो। यदि बात की जाए एप्लीकेशन फ़ी की, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC, आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। यदि बात की जाए एज के क्राइटेरिया के बारे में कि आपका जो एज का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो आपका जो एज का क्राइटेरिया होने वाला है वो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच आपका एज का क्राइटेरिया होने वाला है। आपको सभी को इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। SC ST OBC सभी को इसमें एज रिलैक्सेशन होने वाला है। 5 अक्टूबर 2021 को जो आपकी उम्र है वो 18 साल हो जानी चाहिए। इसके बाद बात कर लेता हूँ आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपकी पोस्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है। आपकी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, आपके हाई स्कूल पास आपकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। देखिए, आप कुक के लिए अप्लाई करते हो, आपकी कुक की जो एडवर्टाइजमेंट की आपकी जो आई है उसके लिए अप्लाई करते हो, तो इसके लिए आपको हाई स्कूल की आवश्यकता होने वाली है। साथ हाई स्कूल के साथ साथ आपको डिप्लोमा की आवश्यकता होने वाली है। डिप्लोमा आपको कुकिंग से ही अनिवार्य है। यदि आपने किसी अदर ट्रेड से किया तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आपने कुकिंग से फॉर्म जो अपना डिप्लोमा किया है तो इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाएंगे। यदि बात की जाए इक्विपमेंट बुट रिपेयर के लिए यदि आप अप्लाई करते हो, तो इसके लिए आपको ओनली हाई स्कूल की आवश्यकता होने वाली है। इसके लिए आपको एनी अदर किसी भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होने वाली है। इसके बाद बात कर लेता हूँ बार-बार, यदि आप बार-बार के लिए अप्लाई करते हो तो बार-बार के लिए भी आपको हाई स्कूल की आवश्यकता होने वाली है। एनी अदर कोई आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, बस आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा अपना बाल काटने का, बस आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेता हूँ आप यदि वाशरमैन के लिए अप्लाई करते हो, तो वाशरमैन के लिए आपको हाई स्कूल की आवश्यकता होने वाली है। टेलर के लिए आप यदि अप्लाई करते हो, तो टेलर के लिए आपको हाई स्कूल की आवश्यकता होने वाली है। इसके बाद बात कर लेता हूँ आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होने वाली है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 10 होने वाली है। आपकी देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आपकी जो वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा कम है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ, ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म के बारे में किसी को इतना पता नहीं होता है कि ऑफलाइन फॉर्म कौन सा निकला हुआ है। आपको देखिए इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना होगा। देखिए, बात कर लेता हूँ किस पोस्ट के लिए आपकी कितनी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। देखिए, बात की जाए कुक की, तो कुक की आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 होने वाली हैं। आपकी जो सैलरी होने वाली है 19,900 से लेकर 63,200 के बीच आपकी सैलरी होने वाली है। काफ़ी अच्छी इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है। यदि बात की जाए बार-बार की, तो बार-बार की आपकी जो सैलरी, आपकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और सैलरी आपकी 18,000 से लेकर 56,900 के बीच आपकी सैलरी होने वाली है। यदि बात की जाए EBR की आपकी, तो EBR की आपकी 2 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होने वाली है, सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 के बीच होने वाली है। यदि बात कर लेते हैं यदि आप वाशरमैन के लिए अप्लाई करते हो, तो वाशरमैन के लिए आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 होने वाली है। इसकी जो सैलरी होने वाली है वो आपकी 18,000 से लेकर 56,900 के बीच आपकी सैलरी होने वाली है। यदि आप अप्लाई करते हो टेलर के लिए, तो टेलर की आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और आपकी 18,000 से लेकर 56,900 के बीच आपकी सैलरी होने वाली है। काफ़ी अच्छी आपकी सैलरी होने वाली है, तो इसके लिए आप अप्लाई जरूर करें। एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कहाँ पर करना है? देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको सेंड करना था कमांडिंग ऑफिसर आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट रुड़की रोड मेरठ कैंट यूपी के लिए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा। आपको काफ़ी अच्छे रिक्रूटमेंट होने वाले, तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करें। इसके बाद बात कर लेता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने। देखिए, आपका जो फॉर्म है, आप बहुत स्टूडेंटों को मेरे पास रिप्लाई आता है कि भाई मेरे साथ के लड़के का जो एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड आ गया लेकिन मेरा नहीं आया, मैंने क्या दिक्कत की थी। देखिए, आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने, उसके बाद मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूँगा। देखिए, आपकी जो हाई स्कूल से आपकी रिक्रूटमेंट निकली हुई, तो अब सबसे पहले आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लगा देनी है। हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ साथ यदि आप डिप्लोमा से इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी लगाना है। इसके साथ साथ आपको लगाना अपना कास्ट सर्टिफिकेट, यानी आपको जाति प्रमाण पत्र अपना लगाना है। इसके साथ साथ आपको अपना निवास प्रमाण पत्र लगाना है। निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ यदि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा देना होगा। अब बात कर लेता हूँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बाद आपको, देखिए, ये जो आपका जो मेन डाउट होता है, सबसे पहले आपका जो मेन डाउट होता है वो होता है डाक टिकट को लेकर, कि भैया आपको डाक टिकट हमको कितने रुपए का लगाना है। देखिए, डाक टिकट को लेकर आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। देखिए, डाक टिकट, देखिए जिस वीडियो में आपको डाक टिकट के बारे में नहीं बताता हूँ, उस डाक टिकट के बारे में आप डाक घर से भी जाकर पता कर सकते हो।
कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर सेंड होना है वो आपको बता दें कि आपको इतने रुपए का आपको डाक टिकट इसके लिए लगाना होगा। देखिए इस बात कर लेता हूँ कि आपको इसमें डाक टिकट कितने रुपए का लगाना, तो इसका फिक्स है आपको 40 रुपये का इसमें डाक टिकट लगाना होगा। डाक टिकट आपको दो लिफाफों पर आप जानते हो कि आपको एनवलप करना होता है, लगाना होता है। इसके साथ साथ आपको कुछ भी आपके पास यदि कोई अदर NCC सर्टिफिकेट है तो उससे आपको काफ़ी अच्छी छूट मिलने वाली है। यदि आपके पास स्पोर्ट कोटा है तो उसकी भी एक सर्टिफिकेट की कॉपी लगा देना, उससे आपको काफ़ी अच्छी छूट मिलने वाली है। यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं भरा है किसी ऑफलाइन फॉर्म का, तो मैं आपको बता दूं आपको भरना कैसे कैसे। देखिए आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसको इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी जनसेवा केंद्र से जाकर उसका जो फोटोकॉपी निकलवा लेंगे और उसके बाद उसको भरकर आप पुस्तक भंडार से जाके, बुक सेलर से जाके वहाँ से दो लिफाफे लेके आने हैं। उससे कह देने कि भाई ऑफलाइन फॉर्म के लिए हमको लिफाफे चाहिए, तो वो आपको दे देगा। जो मैंने आपको अभी एड्रेस बताया था उस एड्रेस को आपको मेन वाले लिफाफे पर लिख देना है। इसके साथ साथ छोटे वाले लिफाफे पर आपको दो लिफाफे देने वाला, छोटे वाले लिफाफे पर आपको अपना एड्रेस लिखना होगा। इसके साथ साथ मैंने आपको जितने डॉक्यूमेंट बताएँ सभी डॉक्यूमेंट को आपको सभी को कॉपी करवा के, फोटो कॉपी करवा के आपको उन दोनों जो बड़ा वाला लिफाफा है उसके अंदर रख देने होंगे और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म वो सेंड कर देना होगा जहां आपको मैंने एड्रेस बताया है। बस आपका एडमिट कार्ड वापस आ जाएगा। एडमिट कार्ड भी जो आपका वापस आने वाला है वो भी आपका यानी डाक के द्वारा ही वापस आने वाला है। जैसे ही आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा आपके एक वीडियो के दौरान अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे, इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बना दूंगा। वैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, काफ़ी आप सरल इसमें एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला। बस आपको अपना नेम, पिताजी का नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, बस आपको यही है उसमें भरने हैं। यदि आप कमेंट करके बताओगे तो पूछोगे तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान भी एक वीडियो बना दूंगा। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट की हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल जेन्युइन कॉन्टेंट मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको प्रत्येक ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।